संपत्ति के विवाद में एक पिता ने अपने ही बेटे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की रात शराब के नशे में पिता और पुत्र के बीच कहासुनी हुई थी, जिसके बाद पिता सुरेंद्र ने बेटे दिवेश के साथ मिलकर दूसरे बेटे अजय उर्फ अजगर को उस वक्त तक पीटा जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। इतना ही नहीं, घटना के बाद मृतक की लाश सारी रात घर में ही पड़ी रही, जबकि सुबह मृतक अजय के मामा ने आकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये चोला थाना क्षेत्र के गांगरौल के रहने वाले सुरेंद्र और दिवेश हैं। यूं तो ये रिश्ते में पिता और पुत्र हैं, मगर इन दोनों के हाथ अपने ही परिवार के सदस्य के खून से रंगे हुए हैं। सुरेंद्र अपने बेटे दिवेश के साथ मिलकर दूसरे बेटे अजय उर्फ अजगर को मौत की नींद सुला चुका है। शराब के नशे में अंधा बाप बेटे को उस वक्त तक पीटता रहा जब तक कि उसके शरीर से प्राण नहीं निकल गए। इतना ही नहीं, बेटे का कत्ल कर बाप चैन की नींद सो गया। वहीं जब सुबह होने पर इस खौफनाक हत्याकांड की खबर गांव में फैली तो हर तरफ सनसनी फैल गई। दरअसल यूपी के जनपद बुलंदशहर के चोला थाना क्षेत्र के गांगरौल निवासी सुरेंद्र की खुद के बेटे अजय उर्फ अजगर से लंबे समय से नाइत्तफाकी चली आ रही थी और इसी को लेकर पिता और पुत्र के बीच शराब के नशे में आए दिन विवाद होता था। घटना की रात भी सुरेंद्र शराब के नशे में था और बेटा अजय भी बाहर से मदिरा का सेवन करके घर आया था। नशे की हालत में पिता और पुत्र में कहासुनी हो गई और इसी से खफा होकर सुरेंद्र ने दूसरे बेटे दिवेश की मदद से अजय उर्फ अजगर को लाठी डंडे और धारदार हथियारों से पीट पीट कर मौत की गहरी नींद सुला दिया। मेरा नाम गोपाल है जी, मैं उस लड़के का चाचा लगता हूँ जी। मैं गांगरौल का रहने वाला हूँ और गांगरौल के ही वे हैं, मेरा भतीजा है। क्या हुआ था? आपस में ये कहीं दूसरी जगह डेयरी पे काम करता था जी, तो ये डेयरी पे काम करता था तो ये पैसे नहीं लेके आया, इसे पैसे मिले नहीं होंगे किसी वजह से, तो इसका इसके पापा बोले कि तू पैसे लेके आया, उसने मना कर दिया मैं पैसे नहीं लेके आया, तो तुझे पता नहीं है कि मेरे आज त्यौहार है, त्यौहार पे पैसे नहीं लेके आया, कि ना वो नहीं मिले पैसे, तो उसने दारू पी रखी थी इसके पापा ने, लड़का के ने, तो उनमें दोनों में आपस में झगड़ा होने लगा, उसके पापा ने सिर में डंडा मार दिया और डंडा मारने से ही बस गिर पड़ा। गिरने के बाद में उसका छोटा भाई है, उसने फिर उसके डंडा और मार दिया, इस बात पे ही दोनों में झगड़ा। पुलिस अधिकारियों की माने तो कुछ साल पहले आरोपी सुरेंद्र का एक बेटा सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था, जिसके उपचार के लिए पिता सुरेंद्र द्वारा एक प्लॉट बेच दिया गया था। मृतक अजय बाप से प्लॉट के पैसों में से अपना हिस्सा मांगता था, जिसके बाद से आरोपी पिता सुरेंद्र और बेटे अजय के बीच मनमुटाव था, जबकि इसी को लेकर आए दिन आरोपी और अजय के बीच कहासुनी होती थी। घटना की रात आरोपी पिता और मृतक बेटा दोनों ही शराब के नशे में थे। कहासुनी शुरू हुई तो सुरेंद्र ने दिवेश की मदद से बेटे अजय की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर डाली। ये थाना चोला के गांगरौल गांव में एक 22 वर्षीय युवक अजय जाटव, जो शराब पीने का आदी था, शराब पी करके घर आया। किसी बात पे पिता और भाई से झगड़ा हुआ, जिसमें पिता और भाई के द्वारा इसके साथ कुछ मारपीट की गई और धक्का दिया गया। धक्का देने से सीढ़ियों के पास गिर गया खुद्दी के नीचे, जिससे गहरी चोट आई और इसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सदोष मानव वध का प्रकरण है, मर्डर का इंटेंशन मोटिव नहीं था, लेकिन मारपीट के दौरान गिरने से आई चोटों की वजह से इसकी मृत्यु हो चुकी है और दोनों अभियुक्त गिरफ्तार किए। हालांकि घटना की अगली सुबह सूचना के बाद गांगरौल पहुंचे मृतक के मामा ने पुलिस को वारदात की सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचायतनामे की कार्रवाई के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से हामिद सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।